हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि LG W10 अल्फ़ा बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च जाने कीमत और स्पेसिफिकेशन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि अगर अभी तक हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के लेटेस्ट स्मार्टफोन की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। LG W अल्फ़ा भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी का यह नया बजट स्मार्टफोन अक्टा कोर प्रोसेसर के साथ लॉन्च है। LG W 10 अल्फ़ा कंपनी के 2D आर्क डिज़ाइन के साथ आता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कैमरा फीचर शामिल है। LG का दावा है कि कंपनी का यह लेटेस्ट फ़ोन 10 दिनों तक का स्टैंड बाय बैकअप दे सकता है। प्रतियोगिताओं की तरह ही LG W10 अल्फ़ा भी एक AI फेजिशियल अनलॉक फीचर के साथ आता है जो डिवाइस को अनलॉक करने के लिए फ्रंट फेसिंग कैमरा सेंसर का इस्तेमाल करता है। भारत में LG W10 अल्फ़ा की कीमत की बात करूं तो गाइज 9,999 रुपये यानी 10,000 रुपये। इस कीमत में ग्राहकों को 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मिलती है। LG इंडिया की साइट पर फ़ोन खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन केवल ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है। इसके अलावा यह देश में ऑफलाइन रिटेल स्टोर के जरिए भी बेचा जा सकता है। डुअल सिम LG W10 अल्फ़ा एंड्रॉयड 9 पाई पर चलता है। इसमें 5.7 इंच का HD प्लस 720x1520 पिक्सल ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है जो 19:9 ऑपरेट रेशियो के साथ आता है। फ़ोन में ऑक्टा कोर यूनिक SC9863 प्रोसेसर दिया गया जो अधिकतम 1.6 GHz क्वाइट फिर्स के साथ आता है। इसके साथ फ़ोन में 3 GB रैम और मौजूद है। इसकी इनबिल्ट स्टोरेज 32 GB और ज़रूरत पड़ने पर स्टोरेज बढ़ाने के लिए माइक्रो SD कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए गाइज, अब इसका मैं मुख्य स्पेसिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। और इसका मुख्य स्पेसिफिकेशन गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डिस्प्ले मिल जाएगा 5.71 इंच का, प्रोसेसर यूनिसॉक SC9863, फ्रंट कैमरा 8 MP का, रियर कैमरा 8 MP का, रैम 3 GB स्टोरेज, 32 GB बैटरी क्षमता, 3450 mAh, OS एंड्रॉयड रिजोल्यूशन 720। तो यह थी दोस्तों LG के तरफ से आने वाले W10 अल्फ़ा के बारे में अगर जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।